हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर वीवो फ़ोन में कॉल आने पर मिस्ड कॉल शो नहीं कर रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फ़ोन का जो डायलर है जिससे फ़ोन लगाते हैं, इस ऐप पर कुछ सेकंड तक टच करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है। तो यहाँ पर ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कोई नंबर भी डिलीट नहीं होगा। तो अब बैक आना है और अब यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है, ऊपर ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन चालू रहेगा तो ठीक है, अगर बंद रहेगा तो चालू कर देना है। अब इतना चेक करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर चेक करना है, अगर इनमें से कोई ऑप्शन बंद रहेगा तो उस ऑप्शन को चालू कर देना है। देखिए सभी ऑप्शंस यहाँ पर हमने ऑन कर रखे हैं। तो इतना चेक करने के बाद अब बैक आना है होम स्क्रीन पर। अब अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। कैसे करेंगे, देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबा कर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। फिर जब कॉल आएगा तो मिस्ड कॉल नोटिफिकेशन में शो करेगा और यहाँ डायलर में भी शो करेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।